आर डी शर्मा क्लास ट्वेल्थ एक्सरसाइज 1.1। मैं क्वेश्चन 10 का इसका फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट में ये जो क्वेश्चन 10 दिया हुआ है उसमें पूछ रहा है क्या ये रिलेशन जो मैं सारा लिख दिया हूँ क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो ये यहाँ से देखिए रिलेशन कैसे बनाया, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देख लेंगे तो ये उसके बाद आगे यहाँ पर है। 1 किसके साथ रिलेटेड है, 39, 2 37, 3 35, फिर 4 किसके साथ आएगा, 33 के साथ, तो मैं लिख दिया हूँ 5, फिर 31 के साथ, फिर 6 होगा तो किसके साथ, 29, उसी तरह से 20 कहाँ तक जाएगा, लास्ट यहाँ तक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए जानते हैं डिफिनीशन क्या, एक्स एक्स बिलोंग टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, अब ये जो एक्स ले रहे हैं कहाँ से ले रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए दोनों। तो आप देखें एक्स वाई जो बिलोंग करा है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होगा ना, उसमें से अगर हैंडेड भी लेंगे तो हैंडेड का डबलेट होना चाहिए था, नहीं है, चलिए तो लेकिन इस कंडीशन के अनुसार भी देखते हैं, इस कंडीशन के अनुसार भी देखते हैं तो अगर 1 है तो 1 रहना चाहिए कहीं भी नहीं है, 20 है तो 20 रहना चाहिए नहीं है डबलेट। सो बोलेंगे यहाँ पे लिख देंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 1 के लिए ही है, उसी तरह से आप 2 2 भी लेंगे तो देखें 2 है तो 2 37 के साथ है तो 2 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक का डिफिनीशन है कि एक्स वाई अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा वाई एक्स रहना चाहिए रिलेशन में। अब 139 है ये है रिलेशन में, तो आप देखें इसका उल्टा है, 39 और 1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, नहीं यहाँ से तो 1 से 20 तक ही जा रहा है, 39 मिलेगा ही नहीं इसमें, 1 इसमें मिल रहा है लेकिन इसमें 39 नहीं आ रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए देखें यहाँ पे डिफिनीशन क्या है, एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जेड में, सॉरी रिलेशन में, तो वाई जेड बिलोंग कर रहा है रिलेशन में तो इम्प्लाइज डैट एक्स जेड बिलोंग करना चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पे कि ये वाला बिलोंग कर रहा है ये नहीं कर रहा, तो ये फिर कहाँ से आएगा, मैं पिछले लेक्चर में ये सब बता चुका हूँ क्लियर। तो यहाँ पे देखें कि 139 है ये बिलोंग कर रहा रिलेशन में, तो क्या 39 और कुछ और है, 39 के साथ कुछ और है, जैसे यहाँ पे ए बी रहेगा यहाँ पे है ना, एक्स वाई है तो वाई जेड रहना चाहिए ना, 39 और कुछ समथिंग और रहना चाहिए ना, नहीं है ये वाला है ही नहीं, रिलेशन में बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो जब ये ही नहीं बिलोंग कर रहा तो फिर ये कहाँ से मिलेगा एक्स जेड, इसीलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव होना चाहिए था लेकिन आंसर में ट्रांजिटिव नहीं दिया हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देख लें, डिफिनीशन के अनुसार जाएं, ये है और ये है दोनों है तो ये भी है तो एक केस बनेगा हाँ ट्रांजिटिव है, रिपीट कर रहा हूँ, दोनों अगर है रिलेशन में तो ये रहना चाहिए तब बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है, ये है और ये नहीं है तो ये कहाँ से खोजेंगे, ये मिलेगा ही नहीं, तो ये है ये नहीं है तो फिर क्या है, ये ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करता हूँ। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है, बुक में क्वेश्चन देख लें आप, कह रहा है कि इट इज़ ट्रू दैट एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या मान लो सपोज चलते हैं, मैं एक एक रिलेशन मान लेता हूँ, तो रिलेशन बनाएंगे तो पहले हमको एक सेट बनाना होगा, चलिए मैं एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 एलिमेंट का, अब इससे मैं एक रिलेशन फाइंड करने चल रहा हूँ R1 सपोज 1 1 2 2 3 3 या फिर 2 3 ले लें अभी एंड 3 2
ये रिलेशन ले लिया। अब ये चेक करने के लिए कह रहा कि कोई भी अगर रिलेशन है, यदि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, दोनों है सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। चेक करते हैं, स्टार्टिंग में बोला कि क्या रहना चाहिए, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक चेक करते हैं। ए बी बिलोंग कर रहा है R1 में, इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए। 1-1 है तो उसका उल्टा है, 2-2 है तो उसका भी उल्टा है, 2-3 है तो 3-2 भी है, यानी सभी है। इसका भी लिखना चाहते हैं तो लिख दें, 1-1 है तो इधर भी 1-1 होगा, क्योंकि उसका उल्टा हो तो 1-1 ही होगा, तो ये सारा है, तो यानी ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट इसका हम सिमेट्रिक हो गया, तो आओ क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, तो मैं ट्रांजिटिव यहीं पे चेक कर लेता हूँ। ट्रांजिटिव के लिए होना चाहिए, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है R1 में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है R1 में, तो इम्प्लाइज डैट ए सी बिलोंग करना चाहिए R1 में। 1-1 है तो यानी ये ए है, ये बी है, तो ए बी है, बी सी नहीं है कहीं, तो बी सी है ही नहीं, तो ए सी कहाँ से चेक करें, तो ये है। 2-2 के साथ देखें, 2-2 है, 2-3 है, तो 2-3 होना चाहिए, है ना। अगर मैं 2-2 को लूँ तो फिर 2-3 को लेना होगा, तो इम्प्लाई डैट ये रहना चाहिए 2-3, है ना, यानी कि ये ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी है, तो इस केस में बी सी और ए सी दोनों यही है। अब इसका चेक करते हैं, 2-3 है R1 में एंड 3-2 है R1 में, तो इम्प्लाइज है 2-2 होना चाहिए R1 में, तो 2-2 है ऑलरेडी, ये ट्रांजिटिव भी है, तो सिमेट्रिक मिल गया, ट्रांजिटिव मिल गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं ना होगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का डिफिनेशन होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ, 1-1 के साथ है, 2-2 के साथ, 3-3 के साथ है, कहीं पे नहीं है, सो हम बोलेंगे कि ये, तो आंसर हो जाएगा नो। क्वेश्चन में कह रहा है ना कि क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, तो नो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो रीजन देने के लिए कह रहा था, तो रीजन ये सब चीज़ हम लिख देंगे। ये एक एग्जांपल से हुआ, एक और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, सपोज क्वेश्चन 10 का ही है, जैसे ऐसा नहीं है कि आप एक ही एग्जांपल दिमाग में रखें, आप एग्जांपल खुद से बनाएं तो आपको माइंड डेवलप करेगा। ये देखें आप, अब इसमें देखते हैं कि सिमेट्रिक है, 1-1 है तो इसका उल्टा है, 1-2 है तो 2-1 है उसका उल्टा, हाँ सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, 1-1 है, 1-2 है तो 1-2 होना चाहिए, है 1-2 खुद है, देखे ना, 1-1 है R2 में एंड 1-2 भी है R2 में, तो इम्प्लाइज डैट क्या होना चाहिए था, 1-2, तो 1-2 ऑलरेडी है, यानी ये ए बी है, बी सी है और ये ए सी है, तो बी सी और ए सी दोनों सेम है। अब इसका चेक करते हैं, 1-2, 2-1, तो 1-2 है, 2-1 है, तो क्या होना चाहिए था, 1-1 होना चाहिए था, तो 1-1 है, तो ये ट्रांजिटिव भी है, लेकिन जो सेट माने थे क्या, 1-2-3, तीनों का डबलेट होना चाहिए, डबलेट नहीं है, तो क्या बोलेंगे कि रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा था मैं, 11 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, एन इंटीजर m इज सेड टू बी रिलेटेड टू अनदर इंटीजर n, कोई इंटीजर है m इंटीजर है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा नहीं हूँ, बस आप पढ़ लें वहाँ पे, m इंटीजर जो है वो रिलेटेड है किसके इंटीजर से, दूसरे इंटीजर से रिलेटेड, क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में यहीं पे लिख रहा हूँ, n इंटीजर से रिलेटेड है, तो मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, तो m इंटीजर n इंटीजर के साथ रिलेटेड होगा, यानी कि डबल जो ऑर्डर पेयर होगा यही दोनों के बीच में, तो हम यहाँ पे उसका ऑर्डर पेयर लिख दिए कि m और n के बीच में रिलेटेड होगा। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इफ m इज ए मल्टीपल ऑफ n, m जो है
मल्टीपल होना चाहिए एन का, तो कोई कांस्टेंट के से लगा दे। क्यों? अगर मैं बोलूँ टू और एट, तो टू जो है एट का मल्टीपल है ना, तो कैसे हम लिखेंगे? टू इंटू फोर या फिर फोर इंटू टू। तो ये एग्जाम्पल से तो पता चल गया कि ये फोर कोई कांस्टेंट है, उसके साथ मल्टीपल है, इसलिए हम के यहाँ पे ले लिया मैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे के क्या मान लेंगे? वेयर के इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नंबर होगा वहाँ पे, ये रिलेशन बोल रहा है। अभी रिलेशन को चेक करना है, बोलना है क्या, ये चेक करना है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है। तो वन बाय वन हम चेक करने चलते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर देखते हैं एम एन है, ए बी था तो ए ए के टर्म में लेते हैं, एक्स वाई रहेगा तो एक्स एक्स के टर्म में, एम एन है तो हम चेक करेंगे कि एम एम बिलोंग कर रहा है आर में। तो मान लेते हैं कि चलिए ये जो एम है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि एम भी इंटीजर होना चाहिए, एन भी इंटीजर होना चाहिए, तो एम कहाँ से बिलोंग करवाएंगे? यहाँ से, फॉर ऑल एम एन बिलोंग्स टू इंटीजर। चलिए यहीं पे मैं लिख दिया। अब डिफिनीशन के अनुसार ये कंडीशन है क्या, एम इक्वल टू के एन, लेकिन रिफ्लेक्सी में यहाँ क्या हो जाना चाहिए, एम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों इक्वल तभी पॉसिबल हो जब के का वैल्यू क्या होना चाहिए, वन। तो हम बोलेंगे ना एम एम बिलोंग्स टू आर, सो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। के किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा ये दोनों इक्वलिटी, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, यदि एम एन बिलोंग कर रहा रिलेशन में तो इम्प्लाइज डैट एन एम बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, ठीक है। चलिए तो अब इसके अनुसार यदि एम एन ले रहा हूँ तो कंडीशन क्या है, एम इक्वल टू के एन। यदि एन एम लूँगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू के एम। ये पहले भी बता चुका हूँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे और देख लेते हैं। तो ये कंडीशन को हेल्प से मुझे ये प्रूफ करना है कि एन इक्वल टू क्या हो जाए, के एम। तो मैं ये कंडीशन यूज कर रहा हूँ। अब ये के को क्या कर लेना, इधर ले आए एम बाई के इक्वल टू एन, इम्प्लाई डैट एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई के एम। लेकिन मुझे लाना क्या था, एन इक्वल टू के एम लाना था, लेकिन मुझे आ गया एन इक्वल टू वन बाई के एम, तो नहीं है, दोनों सेम नहीं है, सो ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट इसका ट्रांजिटिव चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है। चलिए क्वेश्चन यही था, तो यहाँ पे मैं ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव का डिफिनीशन क्या है कि अगर एम एन बिलोंग कर रहा है कोई रिलेशन एंड एम एन है तो एन ओ बिलोंग्स टू रिलेशन, इम्प्लाइज डैट एम ओ बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। उसी तरह से है जैसे ए बी के टर्म में लाया हूँ, ये ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी है, तो कन्फ्यूज मत हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस डिफिनीशन के अनुसार यदि यहाँ पे एम एन था तो क्या होता, एम इक्वल टू के एन, यहाँ एन ओ है तो एन इक्वल टू के ओ, और यहाँ एम ओ है तो एम इक्वल टू के ओ। तो इसके और इसके हेल्प से मुझे प्रूफ करना है कि ये आ जाए, तो चलिए मैं देखता हूँ, स्टार्ट करते हैं। तो एम इक्वल टू के एन है तो मैं इसको क्या लिख सकते हैं, के को उधर लेकर चले जाए तो एन इक्वल टू एम बाई के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ से एन इक्वल टू, चलिए अब जो कांस्टेंट है तो हमेशा कांस्टेंट तो सेम नहीं हो सकता है ना, जरूरी तो नहीं है कि सब कांस्टेंट सेम ही हो, इसलिए मैं यहाँ पे के वन ले लेते हैं, के टू ले लेता हूँ, यहाँ पे के थ्री ले लेता हूँ। अब यहाँ पे एन का वैल्यू एम बाई के वन आ गया, ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे एन के जगह,
एम बाई के वन इक्वल टू के टू बाई ओ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एम इक्वल टू के वन इंटू के टू इक्वल टू ओ। ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों को कांस्टेंट का मल्टीपल हम के थ्री के बराबर ले सकते हैं ना, तो एम इक्वल टू के थ्री ओ आ गया, तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन है, सो डैट द रिलेशन ग्रेटर देन इक्वल टू ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। कोई एक रिलेशन बनाएंगे और वो रिलेशन रहेगा, क्या चीज़ का कंडीशन रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, किस पे सेट क्या है, रियल नंबर का सेट है, इस पे मुझे शो करना है। तो मैं एक रिलेशन बनाता हूँ उस पे, अब रिलेशन है तो उसमें ऑर्डर पेयर तो होगा, तो मैं ऑर्डर पेयर ले लिया ए बी का। जब ऑर्डर पेयर ए बी का ले रहा हूँ तो कंडीशन ये वाला लगाएंगे दोनों के बीच कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। अब ये आर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है रियल नंबर का, तो यहाँ भी रिलेशन और यहाँ पे रियल नंबर, तो दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसलिए रियल नंबर को एक और पाई देकर इंडिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये रियल नंबर हो गया। अब चेक करते हैं वन बाई वन रिफ्लेक्सिव के लिए। हम जानते हैं कि अगर ए ए बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर तो रिफ्लेक्सिव होगा, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू ए। चलिए ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल टू है ना, तो जब इक्वल टू का साइन है तो हम बोलेंगे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। सेटिस्फाई किया ना एक कंडीशन, या तो ग्रेटर देन का कंडीशन सेटिस्फाई होता है या फिर इक्वल टू का, ये दोनों कॉम्बिनेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू का। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक चेक करता हूँ। सिमेट्रिक यदि ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन में तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन में जो मैं लिया हूँ, तो इसके अनुसार ये कंडीशन लग जाएगा। अगर ए बी ले रहा हूँ तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ए लूँगा तो बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्लियर ना। तो ए जो है इस कंडीशन में बोल रहा है कि बी से बड़ा होगा और इस कंडीशन में बोल रहा है कि बी ए से बड़ा होगा। पॉसिबल है कि एक साथ दोनों पॉसिबल नहीं होगा पाएगा ना, तो यहाँ पे बोलेंगे बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का है कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा रिलेशन में बी सी बिलोंग कर रहा रिलेशन में तो इम्प्लाइज डैट ए सी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, तो कंडीशन यदि ए बी ले रहा हूँ तो इसके अनुसार ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये में हो जाएगा बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी और यहाँ पे हो जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसके और इसके हेल्प से मुझे ये प्रूफ करना है कि ए ग्रेटर देन ए सी होगा। तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको सेकेंड मान लें। अब देखें ए है जो बी से बड़ा है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और बी फिर किस से बड़ा है, सी से। इसके हेल्प से तो यही ना हुआ, तो यहाँ पे अगर ए बी सी टू ले लें या फिर ए की जगह सेवन ले लें, ये बड़ा है ना फाइव से, अब फाइव बड़ा होगा मान लीजिए थ्री से, तो फिर ए और सी ए को क्या माने हैं, सेवन, थ्री से बड़ा होगा ना, सेटिस्फाई हो गया, तो बोलेंगे क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट, नोट कर लें इसे। क्वेश्चन 14, गिव एग्जांपल। कैसा एग्जांपल देना है, एक ऐसा रिलेशन का जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव नहीं हो। तो कोई एक सपोज कि मैं एक सेट ले लेता हूँ वन टू थ्री, किसी सेट ही पे ना रिलेशन फाइंड करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है कि ये सबका डबलेट होना चाहिए। तो मैं रिलेशन बना रहा हूँ और सबका डबलेट ले लिया वन वन टू टू थ्री थ्री, तो यहाँ तक ही रहने देंगे तो ये आइडेंटिटी भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, और आगे भी हम वन किसी और के साथ भी रिलेट करवाएंगे तब भी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गया रिफ्लेक्सिव का। अब सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक में कि डबलेट
उसका उल्टा होना चाहिए। वन वन है तो इसका उल्टा यही है, टू टू है तो इसका उल्टा यही है, थ्री थ्री है तो इसका उल्टा यही है। तो और भी अगर ले लूँ यहाँ पे, सपोज वन टू, तो वन टू है तो यहाँ पे टू वन भी रहना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे भी किया, अभी तक तो सारा मेरा क्लियर हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए तो उसका चेक कर लेंगे। वन वन है, वन टू है तो वन टू होना चाहिए, ठीक है। वन टू है, टू वन है तो वन वन है यहाँ पे, टू टू है, चलिए यहाँ पे देखें वन टू, टू टू तो वन टू। ये एग्जांपल से तो पता चला कि ये ट्रांजिटिव है, तो मुझे कुछ और इसमें ऐड करना होगा। तो क्या ऐड करें जिससे कि ट्रांजिटिव नहीं हो? चलिए मैं यहाँ पे थ्री थ्री है तो कुछ और ले लेता हूँ, यहाँ पे थ्री थ्री है तो थ्री वन, थ्री वन ले लेते हैं। तो अगर थ्री वन तो यहाँ पे चेक करें, थ्री थ्री है और थ्री वन है तो थ्री वन रहना चाहिए, तभी अब ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये सब ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, टीचर को भी इवन टाइम लगेगा इस सबको फाइंड करने में। तो चलिए देखते हैं, इसलिए मैं ना आपको समझाते हुए चल रहा हूँ कि आप खुद फील करें कि कैसे कैसे आ सकता है। थ्री वन भी लिए तो भी अब ट्रांजिटिव आ गया, और क्या ले सकते हैं जिससे कि ट्रांजिटिव शो नहीं हो? ट्रांजिटिव का तो यही डिफिनीशन है, यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में, बी सी बिलोंग कर रहा आर में, तो ए सी बिलोंग नहीं करना चाहिए। जितना भी लेंगे सब में ए सी बिलोंग कर रहा है। देखें ये ए बी है, बी सी है, तो क्या होना चाहिए था? थ्री वन नहीं होना चाहिए था, थ्री वन तो है ना ऑलरेडी। थ्री टू अगर ले लेता हूँ, कुछ भी ले लें आँख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री टू अगर लेता हूँ तो थ्री थ्री और थ्री टू से तो थ्री टू रहना चाहिए, थ्री टू भी है। तो और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये ना जो सेट में लिया वन टू थ्री, शायद उसमें प्रॉब्लम है, एक और एलिमेंट बढ़ा दें आप। चलिए मैं ये चीज़ को ना यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, ये सब हटा दें। सेट कोई ए ले लेता हूँ, वन टू थ्री फोर, चार एलिमेंट ले लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबका डबलेट होना चाहिए, तो मैं डबलेट सबका पहले लिख लेता हूँ, थ्री थ्री एंड फोर फोर। सिमेट्रिक के लिए उसका उल्टा होना चाहिए, तो पहले ट्रांजिटिव नहीं हो, उल्टा मैं बना दूंगा, ट्रांजिटिव ना हो वो पहले मैं ले आता हूँ। यहाँ तो रिफ्लेक्सिव हो गया, थ्री फोर और फोर वन ले लेता हूँ। ए बी है, बी सी है, तो ए सी यानी कि थ्री वन नहीं होना चाहिए इसमें, थ्री वन नहीं डालेंगे, लेकिन हाँ इसका उल्टा डाल देते हैं तभी तो सिमेट्रिक होगा। थ्री फोर है तो फोर थ्री होना चाहिए, फिर फोर वन है तो वन फोर होना चाहिए। अब क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, एक ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो उसी तरह से मैं यही चार एलिमेंट का बनाने जा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव है तो चारों तो लेंगे ही हम, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर। ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो, तो ट्रांजिटिव हो तो ये और ये और ये भी डाल देंगे। ये थ्री फोर है, फोर वन है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी रहना चाहिए ना, ये तीनों डाल दीजिए, थ्री फोर, फोर वन, थ्री वन। तो यहाँ से ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन अब चेक करते हैं कि यार ट्रांजिटिव है। और दूसरे से थ्री थ्री तो थ्री फोर, तो थ्री फोर होना चाहिए, यहाँ है फोर फोर, फोर वन तो फोर वन होना चाहिए, सही है। थ्री थ्री, थ्री वन तो थ्री थ्री, थ्री वन होना चाहिए, हाँ बाकी अब सब सेटिस्फाई कर गया। अब सिमेट्रिक नहीं हो तो थ्री फोर, तो फोर थ्री नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा नहीं ना, इसका उल्टा फोर थ्री कहीं भी। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो मैं रिफ्लेक्सिव नहीं लूँ तो
कुछ ही का डबलेट डालते हैं, थ्री तक डाल दिया डबलेट, फोर का मैं जैसे कि यहाँ पे सेट क्या लिया था, वन टू थ्री फोर ना, ये वाला सेट काट दें, ये वाला नहीं होगा, फोर फोर नहीं लेंगे जैसी, तो ये रिफ्लेक्सिव कैंसिल हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं है, बाकी सिमेट्रिक चाहिए तो सिमेट्रिक, तो ये सब ऐड कर देना सारा, हो जाएगा। पहले हम सिमेट ट्रांजिटिव ऐड कर देते हैं, ये तीनों थ्री फोर फोर वन थ्री वन, तो ये ए बी बी सी ए सी थ्री वन है, लेकिन इधर से भी चेक करेंगे, थ्री थ्री है थ्री वन है, तो थ्री वन होना चाहिए, सेटिस्फाई कर गया। और कुछ है, थ्री फोर थ्री 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 फोर, तो थ्री फोर होना चाहिए, है पहले से, ये ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए उल्टा, सबका डबलेट तो उल्टा होता है खुद, थ्री फोर का उल्टा फोर थ्री, फोर वन का वन फोर, थ्री वन का वन थ्री। अब ऐसा डालने से फिर चेक करेंगे कहीं ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव तो बनेगा ही नहीं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया, ये एग्जांपल सही है, लेकिन ट्रांजिटिव का चेक कर लेते हैं एक बार, ट्रांजिटिव को चेक करना होगा। थ्री फोर है, फोर वन है, तो थ्री वन होना चाहिए, थ्री वन है, फोर वन है, वन फोर है, तो फोर फोर होना चाहिए था, देखिए आ गया ना। अगर मैं ये एग्जांपल लेता हूँ तो फोर वन है, यहाँ पे देखिए, अगर फोर वन है एंड वन फोर है तो क्या नहीं होना चाहिए था, फोर फोर होना चाहिए, किस लिए, ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन जैसे ही फोर फोर डालेंगे तो फिर ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, थ्री थ्री हटा के फोर फोर डाल देता हूँ, अभी भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, चलिए तो फोर फोर सेटिस्फाई कर गया, फोर वन के साथ हो गया, थ्री वन है वन थ्री है, तो थ्री थ्री होना चाहिए था, देख लें, थ्री वन है एंड वन थ्री है, तो क्या होना चाहिए, थ्री थ्री, किस लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए, तो थ्री थ्री तो नहीं है, तो टू टू नहीं रहे उसके लिए हटा दूं, तो थ्री थ्री आ गया। आप देखते हैं आगे, थ्री वन है वन थ्री, थ्री थ्री हो गया, फोर थ्री फोर थ्री, और फिर यहाँ पे देखें फोर थ्री है, यहाँ पे देख लें फोर थ्री है, फिर थ्री फोर है, तो फोर फोर होना चाहिए, है फोर फोर, हाँ है, अब सेटिस्फाई कर जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, वन वन के लिए चेक कर लेते हैं, वन वन है, वन फोर है, तो वन फोर होना चाहिए, तो वन फोर तो है ना ऑलरेडी, वन वन है वन थ्री है, तो वन थ्री होना चाहिए, तो है वन थ्री पहले से, तो ये लगभग अब कंप्लीट हो गया है, एक बार चेक कर लेंगे, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है, तो एक बार चेक कर लें कि हाँ सेटिस्फाई हो गया कि नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, तो मुझे ऐसा रिलेशन देना है, बस उल्टा डबलेट कर दो सिमेट्रिक का, थ्री टू और टू थ्री, तो सिमेट्रिक हो गया। तो हाँ, लेकिन अब ट्रांजिटिव नहीं हो, तो ट्रांजिटिव नहीं हो तो उसके लिए देखिए, यदि मैं ये थ्री टू लिया हूँ ए बी, फिर यहाँ पे बी सी टू थ्री, ये बी सी, तो ऐसा हो सकता है कि बी और सी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देख ले एक बार फिर से, थ्री टू है टू थ्री है, तो यहाँ पे ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, तो ए भी थ्री है और सी भी थ्री है, हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ऐसा हो तो थ्री थ्री होना चाहिए था ट्रांजिटिव के लिए, लेकिन है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव नहीं सेटिस्फाई कर गया, रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि मैं सेट लिया था चार एलिमेंट का, सबका डबलेट नहीं है, तो ये सिमेट्रिक है सिर्फ, बाकी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है। लास्ट है ना, तो वो ट्रांजिटिव हो लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं हो, तो ट्रांजिटिव सिर्फ बना देते हैं, बाकी नहीं कुछ डालेंगे, वन टू है टू थ्री है, ठीक है ना, वन टू हो गया टू थ्री, ए बी बी सी, तो
13 डाल देते हैं, ट्रांजिटिव हो गया। रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, सबका डबलेट नहीं है। ट्रांजिटिव इसका उल्टा 21 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो एग्जाम्पल सेटिस्फाई कर गया। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं।